माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे स्टेट बैंक के निरसन और संशोधन विधेयक 2017 बोलने का मौका दिया है। मानवर इसमें जो पांच बैंक विलय हो रहे हैं, उनकी सारी संपत्तियां विलय हो रही हैं, उनके कर्मचारी अधिकारियों का विलय हो रहा है। इसमें मानवर जो संस्थापक थे बैंकों के, जो क्षेत्रीय स्तर पर विकास किया था बैंकों ने, चाहे मैसूर में हो या जयपुर में हो, लोकल स्तर पर ग्रामीण स्तर पर पहुंच गए थे। गांव में उनकी शाखाएं थी, उन पर एक बहुत बड़ा विश्वास जम गया था और उनका कारोबार भी अच्छा बढ़ा था और उस इलाके की काफ़ी उन्नति हुई थी, चाहे पंजाब को देख लें या किसी इलाके को देख लें। लेकिन जब इसमें विलय के बाद स्थिति आएगी कि जो बैंक हैं विलय होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक में आ जाएंगे, जो ग्रामीण स्तर के खातेदार थे उनका क्या हाल होगा, उनकी स्थितियां क्या होंगी, उनकी आस्था जो बैंकों की स्थापना किए थे संस्थापक थे उन पे थी, चाहे जो देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हों उन लोगों ने बैंकों की स्थापना की थी, तो उसमें उनका नाम खत्म हो जाएगा। जो बैंकों को जन्म देने वाले थे उनका जन्म, जो कैबिनेट में जो लोकसभा में 21 जुलाई 2017 को माननीय वित्त मंत्री जी बिल लाए, उसके बाद उनका नाम विलुप्त हो गया। मानवर इसमें माननीय सभी सदस्यों ने चर्चा की है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी बैंकों की आवश्यकता है। आज भी साहूकार के कर्ज से लोग बहुत दबे हुए हैं, बहुत परेशान हैं और उनको बैंकों से रुपया न मिलने के कारण साहूकार के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। नोटबंदी हुई, नोटबंदी के बाद उसका जो असर हुआ, बैंकों में जो लोग अपना पैसा जमा किए थे उनको आज भी नहीं मिल रहा। अगर वो 1 लाख रुपये निकालना चाहता है, बैंकों में पैसा नहीं, एटीएम में पैसा नहीं, तमाम खबरें रोज छप रही हैं। तो विलय से एक तरफ बैंक को तो कुछ फायदा दिख रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक का नाम विश्व स्तर पर हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र का बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इनका नेटवर्क जो है 58,000 एटीएम हो जाएंगे, 50 करोड़ से ज़्यादा ग्राहक हो जाएंगे, 37 लाख करोड़ से ज़्यादा इनकी परिसंपत्तियाँ और 50 बैंकों में हो जाएंगी, 22,500 हो जाएंगी विलय के बाद स्टेट बैंक की शाखाएँ। लेकिन मानवर जो आंकड़े आए हैं उन पे मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूँगा। जब से चर्चा चली विलय की, SBI ने, भारतीय स्टेट बैंक ने नौकरियां कम कर दी। जो आंकड़े आए हैं 10,000 से ज़्यादा नौकरियां ख़त्म हो गई। एक तरफ हमारी बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ने से टेररिस्ट, तमाम नक्सलवादी और तमाम संगठन तैयार हो, तमाम लोग जो है बेरोजगारी के शिकार होकर के परेशान होते हैं। जब नौकरियां जाएंगी, एक तरफ अभी आज सवाल आया था, माननीय मंत्री जवाब नहीं दे पाए बेरोजगारी पे, कोई उन्होंने बताया कि नवंबर 2017 से मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है बेरोजगारी का। तो जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसका दबाव, उसका असर इसमें पड़ेगा, क्योंकि जो सितंबर महीने तक 11,382 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे मानवर, और इन्होंने भर्ती कितनी की, 11,382 के एवरेज में 789 भर्ती की। इसी तरह से इनकी शाखाएं तो बड़ी हैं, लेकिन हम कहना चाहेंगे
आज भी नोटबंदी के बाद देश में जो कोऑपरेटिव सहकारी बैंक है उनमें तमाम पुराना पैसा पड़ा हुआ है, वो पैसा गरीबों का, किसानों का, अभी उसका हल नहीं निकाला आरबीआई ने। वो तमाम सवाल हैं जो बैंक आप मर्ज कर रहे हैं उनमें बड़े बड़े जो ऋणदाता हैं उनसे वसूली कैसे होगी, उसके तमाम मामले पेच फंसेंगे। जिस बीच में ये विलय की प्रक्रिया चली, लाखों लोगों की फाइलें ऋण की, चाहे छात्रों की हों और चाहे और भी तमाम शिक्षित बेरोजगारों की, जैसे मुद्रा लोन योजना चलाई और तमाम योजनाएं चलाई, वो सारे काम बंद हो गए। उससे जो है लोगों पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। जहाँ तक जनधन खाता की चर्चा हमारे माननीय सदस्यों ने की है, जो हम लोगों ने देखा है देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के बयान के बाद देश में बहुत बड़ी चर्चा उठी कि जनधन खाता खोलने से हर आदमी ने जनधन खाता खोल लिया, जीरो पे खाता खोल लिया, उसका असर क्या हुआ, लोगों में कहा गया कि आप 15 लाख आपके खाते में आएगा। उसका असर ये हुआ कि जो लोगों के पास 2000, 3000, 1000 जो जमा था तो बैंक ने नियम बना दिया, पहले तो नहीं था, पहले लोग बैंक में पैसा जमा करते थे, कुछ ब्याज मिल जाता था, उससे अपना कारोबार चलाते थे, अब बैंक ने सारा उल्टा सिस्टम कर दिया, आप पैसा जमा करोगे तो टैक्स देना पड़ेगा, निकालोगे तो टैक्स देना पड़ेगा, आप साल में 36 बार से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करोगे तो पैसा देना पड़ेगा। तो मान लो इसका एक असर पड़ा कि जो भी खातेदार थे अब वो असमंजस की स्थिति में पड़ गए कि हमारे जो पैसा जमा है वो नहीं निकल रहा, और जो जनधन खाते में पैसा 1000, 2000, 2500 रुपये रह गया था, अब ग्रामीण आदमी के पास तो पढ़ा लिखा होता नहीं, जानकारी है नहीं। जो सरकारी आंकड़े आए हैं कई हजार करोड़ रुपए का फायदा बैंकों को हुआ, भारत सरकार को हुआ, किन से हुआ, ये छोटे छोटे खातेधारकों से जिनका 1000, 2000, 3000 उससे कम लेप्स हो गया पैसा, उसी को बताया गया कि ये, कुछ लोगों ने कहा यही तो है काला धन आ गया। लेकिन दूसरी तरफ अभी जो हाल ही में कुछ बड़े कारोबारी जो बैंकों का पैसा लेके चले गए, विदेश चले गए, तमाम खबरें सोशल मीडिया में आ रही कि इतने हजार करोड़ लेके गए, उतने हजार करोड़ लेके गए, इससे बैंकों का नुकसान हुआ। हम समझते हैं कि उन बैंकों को, चाहे भारतीय स्टेट बैंक हो या अन्य बैंकों से जो पैसा लेके गए, बैंकों की स्थिति हाल माली हाथ खराब हो गई है। जब इनके पास ऑडिट होता है, पता रहता है कि हमारे बैंक की क्या स्थिति रहेगी, तो इनको अपने आप इनको माली हालत ठीक करने का काम अपने बैंकों को करना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब किसी का बेटा बीमार होता है और एटीएम में जाता है, एटीएम में पैसा नहीं होता, खाली लौट के आता है, फिर कर्जदार साहूकार के पास जाकर के कर्ज लेने का काम करता है, तो मानवर उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। तो माननीय मंत्री से यही कहना चाहेंगे कि आज धीरे धीरे बैंकों पर विश्वास जनता का हटता जा रहा है, क्योंकि बैंक ग्रामीणों से हट करके तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जा रहे हैं। अब ये बैंक को क्या होगा, गांव-गांव में बैंक खोले थे ये जितने लिमिटेड बैंक थे, अब उनकी शाखाएं ख़त्म हो जाएंगी, जो आपके तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर बैंक है, तो आदमी के पास साधन नहीं, गरीब आदमी जो बीमार है वो कैसे जाएगा 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर, कैसे उसका ट्रांजेक्शन करेगा। अब आपका जो हालात है इस समय, जो आपका नेटवर्क है, अक्सर सर्वर डाउन रहता है, मानो पहले मैनुअल काम होता था तो आसानी से काम हो जाता था, लेकिन सर्वर डाउन होने के कारण जो चाहे परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हों, फार्म भरने वाले विद्यार्थी हों या किसान हों, तमाम लोगों के असर पड़ता है कि आज बैंक गए और सर्वर डाउन है तो उनका कोई काम काज नहीं होता। तो अपना नेटवर्क ठीक करना होगा, बैंकिंग व्यवस्था ठीक करना होगा, और जो ये घाटे पे जा रहे हैं बैंक, और जो आपके बैंक मैनेजर नोटबंदी के बाद कितने बैंकों, अभी माननीय सदस्य ने चर्चा किया, कितने सीबीआई ने कितने बैंकों को मैनेजरों को पकड़ा, उनके अधिकारियों को पकड़ा, नोटबंदी के बाद कितना घपला किया, गरीब लोगों को जो है लूटने का काम किया, तो मानो तमाम समस्याएँ आई हैं। तो हम चाहेंगे कि
इसमें जो खामियां हैं उनको दूर करते हुए, चूँकि सरकार ने निर्णय ले लिया है 1 अप्रैल से विलय का काम हो गया और चालू हो जाएंगे, लेकिन इनकी जो देनदारियाँ हैं उनके बारे में जो है, जो किसानों की ग्रामीणों की है, उन पर विचार करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।